साहब, आज जिस तरह से सदन के अंदर आप लोगों ने भी आवाज़ उठाई, आप यहाँ बाहर भी आवाज़ उठा करके गए थे, क्या कहेंगे? यही है जो ये लोगों से वायदा करके आए हैं। जो गठबंधन सरकार बनी है, ये जब चुनाव था, वोट किसी की, सपोर्ट किसी को मिलेगा, और वह सिद्ध हो रहा है। ना तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आया इनका, ना कोई डायरेक्शन दी कि भाई क्या करेंगे, ना बजट में कोई ऐसा प्रावधान किया, एक कदम भी इस तरफ नहीं चले जो लोगों से वायदा किया था। यही था हमने, भाई लोगों से वायदा जो किया वो पूरा करना चाहिए। इन्होंने कोई भी एक कदम भी उधर नहीं उठाया, बल्कि जो जनहित के कानून बने हुए थे, जैसे डोलीदार रखा है वो है, उसमें भी अमेंडमेंट लाने का काम किया इन्होंने, ताकि उसके अमेंडमेंट आने के बाद बहुत सारे जो हकदार हैं, जिनको मालकाना हक मिलना था, वो वंचित हो जाएंगे। तो ऐसे जन विरोधी कानून जो है इनको वापस लेना चाहिए। और बजट में जो लोगों से वायदा किया था, आज कहाँ गया स्वामीनाथन का भाव? वायदा किया था बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी अलाउंस देने की बात कही थी, वो कहाँ है? कर्मचारी से बात, कर्मचारी के लिए बात वो कही थी, वो कहाँ है? वृद्ध बुजुर्गों के साथ 50 रुपये बढ़ाकर उनका मजाक करने का काम किया है। तो कोई भी वर्ग का एक कदम भी इन्होंने उधर नहीं उठाया जो लोगों से वायदा करके आए। डोलीदारों की जमीन को लेकर के कुलदीप वत्स जो विधायक है, उन्होंने मामला उठाया, लेकिन कांग्रेस का और कोई भी विधायक खड़ा नहीं हुआ। नहीं सब उनके समर्थन में है वो, तो उन्होंने बात बताया, मैं खड़ा हुआ, मैंने बात करी उनसे, वो मैंने अपनी बात बात रखी कि भाई ये जो दरअसल जो एक्ट है उसके कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, उसमें बिल्कुल क्लियर है। पंचायत हो चाहे कॉरपोरेशन, जो भी डोली की जमीन पर है पिछले 20 साल से ज्यादा से, उसको मालकाना हक मिलना चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर भी आज बातचीत हुई है, और पुलिस ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि हर कोई भी सब पुलिस ऑफिसर्स को देखो, बहुत ये तो गंभीर स्थिति में है। सारे देश प्रिकॉशन ले रहे हैं, अपना हिंदुस्तान भी ले रहा है और प्रदेश को भी लेना चाहिए, क्योंकि एक जैसे केस डिटेक्ट दिल्ली में हुआ है, तो दिल्ली को हरियाणा से दूर नहीं है, तो बड़ा इस बात पर जो है ये उसका बहुत सोचनीय वो है, और पूरा इसकी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। फसलों की गिरदावरी और मुआवजे को लेकर भी आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है। फसलों की गिरदावरी, जैसे ओलावृष्टि हुई तो बहुत सारी जगह मिली है, फसलों की प्रॉपर गिरदावरी नहीं हुई, सबकी गिरदावरी होनी चाहिए तुरंत, और तुरंत जो है मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए।